हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम बना रहे हैं दही वाली मिर्चे। तो देखिए फ्रेंड, ये मिर्चे आप बनाकर एक दो दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए फ्रेंड, ये कितनी बढ़िया लग रही है देखने में इस तरीके से। जिसके लिए हमने मिर्ची ली है 150 ग्राम, इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लेंगे, कपड़े से इन्हें पूछ लेंगे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से हमें इसका सारा पानी पूछ लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने पोंछ लिया है पानी और अब हमें इनकी डंडी हटा देनी है। तो देखिए, डंडियों को हमें हटाकर इनमें चीरा लगा लेना है। इस तरीके से हमें चीरा लगाएंगे, ये हमें अलग अलग नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इनको चीरते हुए हम सारी मिर्चों को रख लेनी है। ये हमें चीरा इसलिए लगाना है ताकि इसमें मसाला जो दही है हमारी वो अच्छे से इसमें भर जाए और मसाला अच्छे से भर जाए। तो देखिए फ्रेंड, मिर्ची हमने चीर ली है सारी और ये ले लिया है ऑयल। ऑयल में मिर्चों को हम डाल देंगे। तो देखिए, ऑयल हमने गरम कर लिया था अच्छे से और इसमें चला देंगे इनको अच्छे से। मिर्च को हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए मिर्च को भून लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मिर्च हल्की सी हमारी गल गई, ये मतलब पक चुकी है। इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये कम तीखी मिर्च है फ्रेंड, ये हमने 1 चम्मच डाल दिया है। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये लिया है भुना जीरा 1 चम्मच और साथ ही डाला है सौंफ का पाउडर और ये लिया है अमचूर पाउडर 1 चम्मच। ये लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे दोस्त इसमें दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, इसे अच्छे से हमें चला देनी है मिर्च को। मसाले को हमें जब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से इसमें भुन ना जाए। और ये लिया है हमने 2 चम्मच विनेगर। विनेगर से जो हमारी मिर्च होती है वे काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है फ्रेंड, इसलिए हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। तो देखिए, ये कितनी बढ़िया सूखकर मसाला तैयार हो गया। लेंगे अब हमें 3 से 4 चम्मच दही। दही को हमें फैट कर लेना है और जिस टाइम हम दही डालेंगे फ्रेंड, इसको हमें लगातार मिर्च को चलाते रहना है। अगर हम दही को चलाएंगे नहीं तो वो फट जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने चला देनी है और अब हमें इसे पका लेनी है। हमें जब तक पकानी है जब तक ये ऑयल और दही अच्छे से बिल्कुल मिर्च पर अच्छे से कोट ना हो जाए। तो देखिए, जब तक हम इसको पकाएंगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, दही कितनी सूख चुकी है। और देखिए, हमारी मिर्च भी बिल्कुल पक चुकी है। इस तरीके से आप बनाइए और इंजॉय करिए। तो देखिए फ्रेंड।